नेवला और किसान की पत्नी। बहुत समय पहले एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे और उनके साथ उनका एक छोटा बच्चा था। बच्चे की सुरक्षा के लिए एक दिन वो नेवला लेकर आए। वो एक अनोखा सफेद नेवला था। वो नेवला बच्चे की अच्छी देखभाल करता था। किसान और उसकी पत्नी उस नेवले को बहुत प्यार करते थे। कुछ महीनों बाद एक दिन ये सोचकर कि नेवला बच्चे की देखभाल कर लेगा, वो अपनी पत्नी के साथ बाहर चला गया। थोड़े समय बाद नेवले के मुंह पर खून देखकर वो बहुत डर गई और उसने बिना सोचे समझे एक ईंट उठाकर नेवले के सर पर दे मारी। लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था और पास ही में एक सांप मरा हुआ था। अब उसको एहसास हुआ कि नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो नेवला तो मर चुका था। नसीहत: जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, जो करना हो वो सोच समझ कर करें।